हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जो आज का व्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें तीन चार जो मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे जब मैं बाहर गई थी तो वो भी उसमें ऐड होंगे। और आज है आंवला ग्यारस, तो मेरा फास्ट है, तो हम मंदिर और गए थे तो शायद उसका भी मैं इसमें रिकॉर्ड किया मैंने, तो मैं इसमें भी वो भी आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एंड आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आपको बताती हूँ मैं बाहर कहाँ गई थी। मैं गई थी सोजत, जहाँ मेरे मामा जी तहसीलदार है और वहाँ पे हमारा गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे हमारे गुरु जी की बरसी थी तो वहाँ पे गई थी। वहाँ से मैं पाली भी गई थी और फिर हम जोधपुर आ गए थे। तो तीनों जगहों का क्लिप है अंदर, तो मैं आपको वो बताऊँगी आपको कि है ना। ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैं बिज़ी थी। एंड आपको मैं बता दूँ, पाली मेरा ननिहाल है, मेरे नाना जी और नानी जी रहते हैं एंड मैं भी पाली ही रही हुई हूँ। और नागौर मेरा ससुराल है और सोजत में मेरे मामा जी तहसीलदार थे, रिसेंटली उनका ट्रांसफ़र बांसवाड़ा हो गया है। एंड जोधपुर मामी जी रहते हैं बड़े वाले, क्योंकि जो बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से वो रह रहे थे, लेकिन अब सब बांसवाड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं तीनों जगहों पे गई थी और तीनों का मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे, तो मैं आपको वो शेयर ज़रूर करूँगी। और आज का आंवला ग्यारस का जो भी है, मैं और मम्मी जी कैसे क्या करते हैं पूजा पाठ वगैरह, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर दी थी, आंवला ग्यारस थी वो, आंवला, कच्चा दूध, दीपक, कुंकू, जो भी पूजा की सामग्री है वो ले लिए थे। एंड उसके बाद मैं गई थी फूल तोड़ने के लिए, जो हमारे गार्डन घर के बाहर मतलब अंदर ही है, तो मैं फूल तोड़ रही थी और अधिराज भी मेरे साथ ही था। और उसकी अधिराज की हरकत है तो आप देख ही सकते हो। और मैं थोड़ी वो धूप भी तोड़ रही थी गजानन जी को चढ़ाने के लिए। और हमारे घर के पास में ही मंदिर है, तो मैं अधिराज और मम्मी जी हम तीनों पूजा करने अभी निकलेंगे। तो यदिराज देखो सड़क पे, इसको बोलते हाथ पकड़ के चलो, लेकिन ये नहीं चलता, इसकी है वो। एंड यहाँ पे देखा हम आ गए, इधर ही आंवले का पेड़ है, पूजा कर रहे थे, लेकिन अधिराज हमसे ही पहले कर रहा था कि मम्मा मेरे को करने दो, तो सारी पंचायत थी वो अधिराज ही कर रहा था। और यहाँ पे मम्मी, मैं और अधिराज हम तीनों पूजा करने लग गए थे। और पूजा करने के बाद शिव जी का मंदिर है यहीं पे ही, तो बाद में हम वहाँ पे पूजा करेंगे, देन फिर हम लोग वापस घर पे जाएंगे। तो मैं आपको चलिए बताती हूँ आगे का। एंड गाइज, ये है पाली का वीडियो। जब मैं गई थी तब गुन्नू मतलब मेरे मामा जी की लड़की है, उसका बर्थडे था, तो केक और लेके गए थे, तो बस वहीं पे। और ये मेरे नाना जी और मेरी नानी जी है, जिनके पास ही मैं रही हुई हूँ छोटे से लेके बड़ी हुई तब तक। ये देखिए, तो हम बस ऐसे थोड़ा सा हल्का सा सेलिब्रेशन कर रहे थे। ये मेरा भाई फोटो शूट करता हुआ कैमरामैन। किलो दादी, दे किलो भाई, दे किलो हाथ रखो यार, अब अंदर को दादी ठीक है। वाह वाह गुन्नू, बस चलो वाह। अब नन्नू 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 नन्नू
बटर नहीं ये गुल्लू गुल्लू भाई भाई ने मत फोटो आनी चाहिए तू नहीं भाई ने की मत दे आप पकड़ पड़ी आया हाथ पर कोई हां बोल ठीक है कौन लाग गया ठीक है नाना सो जाओ जाओ ठीक है मम्मा जी जाओ लक्ष्मी का आगमन हो भाग है। अब अनु तो क्या गुन्नू मासी चलो सुपरमार्केट पैसे आ गए हैं और ये मेरे छोटे वाले मामा जी और मामी जी है और मैं अभी इनको बोल रही हूँ घूंघट हटाने के लिए तो वो ऐसे बारी बारी सब केक खिला रहे थे गुन्नू को और एंड में अंशु को देखो इसको मुंह भर दिया पूरा और मैं बोल रही थी नहीं आँख में चला जाएगा वैसे क्योंकि देखते हैं ना कहीं वीडियो में तो वैसे एंड और उसके बाद हम आ गए थे सोजत गुरुद्वारा और ये सोजत तहसील है जहाँ मामा जी रहते हैं इधर ही गवर्नमेंट का क्वार्टर है रहने के लिए विद फैमिली और तहसील काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर ही शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे मैं लक्षिता और अधिराज हम तीनों जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग आ गए थे जोधपुर सब जने मिलके तो यहाँ पे शायद नाइट के करीबन 12 बजे होंगे और अधिराज को और अधिराज की मासी को भूख लगी थी तो इन लोग मैगी बना के खा रहे थे एंड मामा जी को बांसवाड़ा शिफ्ट होना था इस वजह से घर पैकिंग चल रही थी इसलिए घर ऐसे ही पड़ा है अभी क्योंकि मामी जी मामा जी और सब बांसवाड़ा शिफ्ट होंगे उस हिसाब से तो हम लोग मिलके बातें कर रहे थे और मामा जी किसी काम से बाहर गए थे तो कल सुबह में आएंगे मॉर्निंग में सो गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू जय श्री कृष्णा